स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अपने आईएमपी नोट्स में जरूर नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईएमपी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आप लोगों को चार या पांच अंतर बताऊंगा। नंबर फर्स्ट, इसका पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, नीचे लिखा हुआ है, एसिड होता है, कहीं कहीं ये राइबोस नहीं राइबोस सा हो जाता है, सा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये मत सोचना, ठीक है, कहीं कहीं जा और कहीं कहीं सा लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका नाम डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन इसका नाम केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये न्यूक्लिक मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसका नाम, इसका पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये हटा दो, ये भी हटा दो, यहां लिख दो होता, ठीक है, होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसका पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं, बल्कि डी ऑक्सी इसमें होता है, लेकिन इसमें केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, समझ में आया। देखो सभी लोग नोट कर लो, पहला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, इसमें डी ऑक्सी राइबो सरकरा पाया जाता है, इसमें डी ऑक्सी राइबो सरकरा पाया जाता है, और इसमें राइबोस सरकरा पाया जाता है, क्योंकि इसका पूरा नाम डीऑक्सी होता है और इसमें डीऑक्सी नहीं होता, तो इसमें डीऑक्सी होता है, इसलिए इसमें डीऑक्सी राइबोस सरकरा पाया जाता है, लेकिन इसमें केवल राइबोस सरकरा पाया जाता है। दो अंतर तो समझ में आ गए, क्योंकि इसके पूरे नाम में ही है डीऑक्सी राइबोस, तो इसमें डीऑक्सी राइबोस सरकरा पाया जाता है, लेकिन इसमें डीऑक्सी नहीं है, केवल राइबोस है, तो राइबोस सरकरा पाई जाती है। दो समझ में आया, जल्दी से बता दो समझ में आ गया हो, ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़े। इतना समझ में आया ना, इसमें डीऑक्सी सरकरा राइबोस सरकरा पाई जाती है। अब इसमें देखो, इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाई जाती है, इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाई जाती है, इसमें टी के स्थान पर, थायमिन के स्थान पर टी, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि यू पाया जाता है, यूरेसिल नाम भी लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, अगर कहो तो लिख दूं, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है, यूरेसिल पाया जाता है, मतलब इसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, यू पाया जाता है। अगला देखो, डीएनए द्विकुंडलित होती है, जैसे रस्सी नहीं होता रस्सी, उसी प्रकार से जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है, लेकिन ये अकुंडलित होता है, मतलब ये एक ही होता है, ये डीएनए कुछ इस टाइप से होता है ना, देखो इस टाइप से डीएनए होता है, ठीक है, इस टाइप से डीएनए होता है, लेकिन जो आरएनए होता है इसका एक ही होता है, इसमें दो होते हैं, इसी प्रकार से इसमें केवल एक ही होता है, ठीक है, आरएनए में ये अकुंडलित होती है, ठीक है, लेकिन डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित होती है, और आरएनए जो होता है वो अकुंडलित होती है। यहां आपको समझ में आ जाना चाहिए हर एक पॉइंट, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा सब कुछ पढ़ाया गया है, अगर आप लोग पढ़े होंगे अनुवांशिकता एवं जीव विकास का चैप्टर, या फिर आप लोगों को कई बार भी दिया गया है, ठीक है, समझ में आया। चार पॉइंट आ गया, अगर चार ही लिख दोगे आपको फुल मार्क मिल जाएगा, लेकिन पांचवा भी समझ लो। यह सभी जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है, हमारे अंदर भी डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, आप सभी के अंदर डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन जो आरएनए होता है वो केवल कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, कुछ विषाणु जो होते हैं उसमें केवल अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं होता है, अगर डीएनए नहीं होगा तो उसमें आरएनए तो ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा,
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को केवल आप लोगों को एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको शाम को वीडियो जरूर प्रोवाइड किया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट का, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।